सिरसिया स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में भारी गड़बड़ी तब उजागर हुई जब गोदाम का औचक निरीक्षण मंगलवार को सदर प्रखंड के उपप्रमुख कुमार सौरभ ने किया। इस मौके पर भारी अनियमित देखी गई। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि एजीएम की अनुपस्थिति में उसके भाई एवं अन्य रिश्तेदार मौजूद रहकर रजिस्टर मेंटेन का काम कर रहा था। वहीं अनाज की गाड़ी में वितरण करने के लिए सरकारी अनाज लोड हो रहा था। यह भी पाया गया कि डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक भी अनुपस्थित थे। उनके गैर मौजूदगी में भी एजीएम के भाई एवं अन्य रिश्तेदार इन गंभीर कार्य में लगे हुए थे। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वह कोई सरकारी कर्मी नहीं बल्कि एजीएम के रिश्तेदार है। इस बाबत उपप्रमुख कुमार सौरभ ने बताया कि पहले भी निरीक्षण के क्रम में एजीएम अनुपस्थित पाया गया था। इस तरह की जवाबदेही में यह घोर लापरवाही है। सरकार वेतन एजीएम को देती है लेकिन उनके भाई और रिश्तेदार कार्य पर लगे रहते हैं। इन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में लिखित और मौखिक रूप से जानकारी दी जाएगी और कार्रवाई की मांग की जाएगी। बता दें कि पहले से ही अनाज गोदाम काला बाजारी के लिए बदनाम है। कई बिचौलिया किस्म के लोग अनाज के काले धंधे में लिप्त है। ऐसे में इस तरह का दृश्य पूरे आपूर्ति विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। मामला है ब्लॉक गिरिडीह प्रखंड में, यहाँ पे जो गोदाम अवस्थित है जिसमें खाद आपूर्ति का कार्य होता है विभिन्न पंचायतों और नगर निगम क्षेत्रों में, उसमें भी हम निरीक्षण किए तो उसमें देखते हैं कि ना यहाँ पे एजीएम की उपस्थिति रहती है ना जो संवेदक है वो उपस्थित रहते हैं। एजीएम के बदले रजिस्टर मेंटेन उनका भाई भतीजा लोग कर रहा है और ना संवेदक रहता है, संवेदक का भी भाई भतीजा लोग उपस्थित रहता है और वजन में भी लगभग 10 किलो 12 किलो 15 किलो ऐसा अंतर आता है। एक बहुत गंभीर विषय है। सरकार तनख्वाह उनको एजीएम को देता है और उनके भाई भतीजा यहाँ पर उपस्थित रह के गाड़ी का लोडिंग करवा रहे हैं, वजन करवा रहे हैं। ये हम इसकी सूचना अभी हम वरीय पदाधिकारी को भी देंगे और हम लिखित शिकायत करेंगे। ये बहुत गंभीर मसला है तथा निरीक्षण के दौरान ये भी देखें कि गोदाम में काफ़ी मात्रा में हमको लगता है कि काफ़ी उसका वजन हमको लगता है कि लगभग 50 टन से भी ऊपर होगा। पूरा सड़ रहा है चीनी। अब किस कारण से सड़ रहा है विभाग का घोर लापरवाही हम इसमें कह सकते हैं और इस मसले में भी हम वरीय पदाधिकारी से बात करके लिखित शिकायत करेंगे। आशीष यादव यहाँ पे कौन देख रेख करते हैं, एजीएम कौन है? संजय। कहाँ गए? बनियाबाद। आप कौन है? हम बोले ना आशीष यादव। क्या करते हैं यार? वजन मतलब जो वजन रहता है ना वही हम देख रहे हैं। नौकरी करते हो? तो नौकरी है यहाँ पे? नहीं। तो क्या करते हो? पढ़ते हो, लिखते हो, क्या करते हो, सुनते हो? अभी पढ़ रहे हैं। कौन क्लास में? 12th क्लास में। तो यहाँ पे कौन लगाया लिखने के लिए? कौन ड्यूटी दिया? वही दिए हैं संजय आ रहे हैं जो एजीएम है। तो वही दिए तुमको? तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह का मिलता है? अपन काम शुरू करना है। कब से गए हुए हैं? कब से गए हुए यहाँ से? आप कब आए? आज ही आया कि और? आप कितना बजे आए यहाँ? 10 बजे सुबह। उसके बाद यहाँ से 6 बजे जाते हैं। मतलब सब आप ही लिखता है ना? क्या लिखते पढ़ते आप ही हैं? हाँ, यहाँ वजन हमें लिखते हैं, उसके बाद हमें भेज देते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आपके शहर गिरिडीह के होटल ब्लूबेल में। यहाँ के खाने के क्या कहने, यहाँ खाने की लोकप्रियता इतनी है कि हर लोगों के मन को भा जाता है। भोजन में इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर के सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध है। होटल ब्लूबेल में एसी बैंक्वेट हॉल, एसी रूम और रूफटॉप की सुविधा उपलब्ध है जिसमें विवाह, जन्मदिन, सगाई, एनिवर्सरी जैसे पार्टी का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही होटल ब्लूबेल लेके आया है एक ही छत के नीचे अपनी एक और यूनिट बालाजी स्वीट्स एंड स्नैक। यहाँ आपको मिलता है हर प्रकार की मिठाइयाँ और स्नैक्स जिसमें आप गोलगप्पे, चाट, छोले भटूरे और साउथ इंडियन डिशेज का लुफ्त उठा सकते हैं। होटल ब्लूबेल का धमाकेदार लिमिटेड टाइम ऑफर जिसमें आपको 99 के मेंबरशिप में टेबल फूड मेन्यू पर
25% तक की छूट। तो जल्द से जल्द इस ऑफर के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो आइए चलते हैं अपना होटल ब्लू बेल और लुफ्त उठाते हैं वहाँ के व्यंजनों का। हमारा पता है स्टेशन रोड गिरिडीह।